क्या सोचते हैं आशुतोष कुमार के बारे में? देखिए, हम लोग नया चेहरा चाह रहे हैं। हमारे पुराने जो अभी तत्क्षण सांसद हैं चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी, मैंने उनके पास कम से कम 10 बार गया, एक नाला के लिए, एक रोड धुरियारी रोड के लिए। आप शायद रोड से आए होंगे तो रोड का स्थिति आप देखे होंगे कि किस बदतर स्थिति में हम लोग का रोड है, कि यहाँ पर हम लोग 10 गांव जुड़े हुए हैं उससे। लेकिन चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी को मैंने पर्सनल 10 बार पटना उनके डेरा पर और 3 बार दिल्ली हमको बुलाए हुए, लेकिन आज तक उसके बाद चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी हम बैठे हुए हैं उनके डेरा पर, उधर से जाके कहते हैं कि भूमियार हमको वोट देता है। चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी को अपने कान से मैंने सुना, उसके बाद वहां से उनके डेरा पर से उठ के मैंने चल दिया। ऐसा बात ऐसा बात चंद्रेश्वर तो कह रहे कि भूमिहार लोगों को हम बहुत सम्मान देते। झूठा आदमी चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी सा झूठा आदमी खोजने पर नहीं मिलेगा। मैंने मैंने अपने कान से सुना है, मैंने चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी को डेरा पर गया है। क्या सोचते हैं आशुतोष कुमार जी के बारे में? भावी नेता हम इनको मानना चाहते हैं। आशुतोष जी बहुत सुंदर छवि के व्यक्ति हैं और हम चाहते हैं कि यंग ब्लड हमें चाहिए। बूढ़े लोग जो भी राजनीति किए सठिया गए हैं, सब अपने बाल बच्चे और घोटाला के फेर में पड़े हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि भावी नेता हमारे आशुतोष जी हों। आशुतोष जी पे इतना भरोसा क्यों लगता है आपको? नवयुवक हैं, वो एकाग्रचित हैं कि हम कुछ समाज के लिए कर दिखाएं, कर गुजारे और कर रहे हैं, संघर्षशील हैं। इसमें नहीं है कि यहाँ देख करके और पीछे हट जाएंगे कि यहाँ समाज नहीं है, ये बेसमाज है। सभी को, दलित महादलित सबके साथ ये हैं, सबको लेकर के चलने वाले नेता हैं। ये नहीं है कि एक जात को लेकर के चलने वाले हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये हमारे साथ आगे बढ़े। जिस तरह से आशीर्वाद दे रहे हैं कि बहुत दिन तक की नेतागिरी करें, आगे बढ़े, यही हमारा कामना है। सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग को चाहिए यंग लड़का चाहिए, चाहिए किसी भी, हम लोग को कास्टिज्म से मतलब नहीं है। हम लोग किसी कास्टिज्म और जातिवाद पर वोट नहीं करने जा रहे हैं। हम लोग को यंग चाहिए, जो यंग हो, स्वच्छ छवि का हो, वो आदमी चाहिए। वो हमारे क्षेत्र में जहानाबाद लोकसभा में आए और उसको हम लोग प्रत्याशी के रूप में चुने। हम लोग को जात पात पर नहीं जाना है, सुन लिए? यहाँ पर सब समाज के लोग बैठे हुए हैं और सब समाज से ही रिक्वेस्ट हम करेंगे कि वैसा आदमी चुने, वैसा यंग लड़का को चुने कि जो हर आदमी एक एक व्यक्ति को देखे, और लोकल होना चाहिए, यानी जहानाबाद का होना चाहिए, नहीं कि बाहरी होना चाहिए। हमको जब भी चाहिए तो जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र का आदमी चाहिए। एक कई साल पुराना वीडियो न्यूज पे चल रहा है कि ऑपरेशन भूमिहार इसी गांव से चलाया गया था, क्यों चलाया गया था वो? अभी तो कुछ ऐसा बात ही बन गया आए, यानी राजनीतिक मुद्दा, बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा था, बहुत बड़ी साजिश थी उसमें। यहाँ पर जिसे, यहाँ पर सब वोटर हैं तो पूछिए तो किनको जो है सपोर्ट नहीं दिया जाता है। और बहुत बड़ी ऑपरेशन भूमिहार का मतलब क्या था, क्योंकि काफी वायरल हुआ, पूरे देश में एक चर्चा बन गया कि ऑपरेशन भूमिहार, यानी ऐसा क्या समस्या रह गया? वह राजनीतिक साजिश के तहत किया गया था। जगदीश शर्मा लगातार यहाँ से 8 टर्म विधायक रहे, और 8 टर्म विधायक रहने के चलते यहाँ पर लगता था कि जगदीश शर्मा के गुंडे लोग हैं, ये मवाली लोग हैं, और ये वोट का जो सिस्टम था, जगदीश शर्मा के काम पर वोट मिलता था, ये नहीं कि उनका कोई बूथ कब्जा होता था। लेकिन वो वोट के विरुद्ध में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, सरकार में हुए थे, तो गुंडागर्दी, पुलिस या गुंडागर्दी करके और ऑपरेशन भूमिहार को चलाया गया था। यानी एक जाति विशेष के मानसिक जाति को टारगेट करके किया गया था, भूमिहार जाति को सिर्फ टारगेट करके किया गया था, एक राजनीतिक साजिश के तहत उसको, इस बूथ को या पूरे 10 घोसी विधानसभा में 10 बूथ को बदनाम किया गया। और रहते हैं पूरा समाज, जाति वर्ग के लोग एक साथ मिलजुल के, हम लोग किसान हैं, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। सारे हम लोगों का नेता किसान नेता चाहिए, जो धरती से चले और धरती को समझे कि किसान का क्या दुख दर्द है। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम है किरानी प्रसाद। कहा जाता है कि यहाँ वोट नहीं दिया जाता है, देने दिया जाता है आप सबको, क्या सच बात है? नहीं, ये गलत बात है। सबको यहाँ वोट देता है और सर्व स्वेच्छा से जिसका मन है जो दे रहा है, कब्जा नहीं होता है वोट यहाँ। लेकिन कहा जाता है कि कई साल तक आप लोगों को वोट नहीं देने दिया गया यहाँ। वोट नहीं देने नहीं दिया, वोट दिया, सबको दिया,
बाकी जिसका बूथ पर है, जिसका जो वोट दे रहा, जिसका नहीं था जो नहीं दिया। यानी झूठ का अफवाह एक जाति विशेष के लोगों के खिलाफ में फैलाया गया। हाँ, फैलाया गया जगदीश शर्मा के बूथ पर। आशुतोष कुमार को जानते हैं आप? हम नहीं जानते हैं आशुतोष कुमार के, आज नाम जाने हैं। अच्छा, आज आप देखे हैं तो नाम जाने? हाँ, आज जाने हैं। तो जैसा कि लोगों से सुन रहे थे कि कई साल पहले जो एक जाति विशेष लोगों के खिलाफ लोगों में मानसिकता और पूरे देश में फैलाई गई कि यहाँ पे दबंगों के द्वारा वोट नहीं देने दिया जाता है, तो यहाँ पे जो लोग थे वो बता रहे हैं कि हम वोट अपने स्वेच्छा से देते हैं। और भी लोग हैं, क्या नाम है? वोटर देने जाते हैं देते हैं सर। तो कहता है वोटे नहीं देने दिया जाता देते हैं सर। देते हैं, देते हैं सर। कोई रोको रहता है? तो जो प्रशासन आके आप सबों को वोट दिलवा रहा था, याद है? याद है सर, सब याद है सर, सब याद है। वर्तमान सांसद चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी नहीं जानते? मुलाकात हुई है? नहीं सर। आपके गांव में रोड नहीं है? मेरा गांव उसके लिए क्या आपने कहा था? वही रोड चाहिए। चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी को वोट देके जिताया तो जरूर। यहाँ बाहर रहते हैं सर, बाहर रहते हैं, बाहर रहते हैं। क्या नाम है? जितेंद्र मोहन नाम है मेरा। वोटर देने जाते हैं बूथ पर? वोट देने में कोई दिक्कत ना है हम लोग को। कहता है यहाँ के जो दबंग लोग हैं आपको वोटे नहीं देने देते हैं? नहीं, गलत बात है, गलत बात है। सब वोट देता है, सब स्वेच्छा से वोट देता है। आपके सांसद जो है मिले हैं कभी उनसे? कौन है आपके सांसद? चंद्रवंशी जी हैं। विकास सर किए हैं? कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं। आशुतोष कुमार को जानते हैं? आशुतोष कुमार का नाम हम तो आज सुन रहे हैं। अच्छा, आज सुने, यानी आपके गांव में आज आए हैं तो आप सुने हैं? हाँ। तो क्या सोच रहे हैं वोट के लिए? वो मैंने कि आएंगे बढ़िया से जान पहचान होगा, अथी के दौरान मैंने जो होता है प्रचार प्रसार के माध्यम से। हाँ, तो मैंने समझेंगे बुझेंगे उस हिसाब से हम लोग उनका समर्थन करेंगे, जैसा रहेंगे जैसा। अगर अच्छा रहेंगे तो ठीक है, यानी समझेंगे बुझेंगे, अच्छा रहेगा तो समर्थन करेंगे करेंगे। उससे कोई मतलब नहीं, जात पात से कोई मतलब नहीं रहेगा। हम लोग मैंने कि विकास चाहिए, विकास चाहिए, जात पात नहीं, जात पात नहीं चाहिए। नाम क्या है? जितेंद्र महान। गुजियारी गांव का क्या माहौल है यहाँ से, आप क्या संदेश देना चाहेंगे?